सो वेलकम स्टूडेंट्स टू अनदर न्यू वीडियो। सो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेकर बात करेंगे, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स लोगों की तरफ से कमेंट्स आ रही थे कि एमए और एमएससी और जो एमकॉम है उनके एडमिशन कब से स्टार्टिंग होंगे, मतलब असम यूनिवर्सिटी के जो पीजी कोर्सेस है पीजी कोर्सेस के एडमिशन कब से स्टार्टिंग होंगे, या उसके लिए कुछ एंट्रेंस क्या देना पड़ेगा और एंट्रेंस होने से कब एंट्रेंस होंगे। सो ये क्वेश्चंस बार बार पूछे जा रहे हैं स्टूडेंट्स की तरफ से। सो मुझे लग रहा है कि इसके ऊपर एक आप लोगों के लिए वीडियो बनाना चाहिए। सो मैंने सोचा आज के वीडियो में उसी के ऊपर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि बार बार स्टूडेंट्स कमेंट्स कर देते हैं कि कब पीजी लेवल के एडमिशन स्टार्टिंग्स होंगे। सीबीसीएस के साथ साथ नॉन सीबीसीएस के स्टूडेंट्स में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स है जो कमेंट्स करते हैं। सो चलिए आज के वीडियो में उसी टॉपिक को लेके बात करते हैं। सो स्टूडेंट्स एंड तक बने रहिए इस वीडियो में। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स वीडियो स्टार्ट करने से पहले जितने भी मेरे क्लास 10 के स्टूडेंट्स हो, इस बार जो क्लास 10 आप लोग पढ़ रहे हो आप लोग के लिए एक इन्फॉर्मेशन है। मैंने ऑलरेडी कम्युनिटी टैब में वो इन्फॉर्मेशन लगा दी है। आप लोग के स्कॉलरशिप एक एग्जामिनेशन होंगे जो आसाम में होंगे, एनसीईआरटी की तरफ से ये एग्जामिनेशन कंडक्ट की जाएगी। सो आप लोग चाहे तो उसमें अप्लाई कर सकते हो, मैंने डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक दे दी है, वहां से जाके आप अप्लाई उसमें कर सकते हो। तो 202 पोस्ट स्कॉलरशिप के पोस्ट है, मतलब 202 स्टूडेंट्स लोगों को क्लास 10 के ओनली स्टूडेंट्स लोगों को स्कॉलरशिप जाएंगे पूरे साल के पढ़ाई के लिए। तो अगर आप लोग चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप स्कॉलरशिप एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हो। सो स्टूडेंट्स अब आते हैं हमारे इस वीडियो के मेन टॉपिक पे। सो कब होंगे ये एडमिशंस, कब पीजी कोर्सेस के एडमिशन रिलेटेड नोटिस डिक्लेयर होंगे। तो आसाम यूनिवर्सिटी बहुत सारे पीजी कोर्सेस ऑफर करती है, तो जिसमें से दो तीन पीजी कोर्सेस के ऑलरेडी एडमिशन स्टार्टिंग हो चुके हैं, एंट्रेंस भी हो चुके हैं। सितंबर महीने के एंडिंग में कुछ कुछ एंट्रेंस हुए हैं और डेट शेड्यूल्स दिए थे आसाम यूनिवर्सिटी ने, बट एमए एमकॉम और एमएससी जो है उसके अभी तक कोई नोटिस नहीं आया। उसके पीछे का रीजन तो आप सबको मालूम है, क्योंकि सीबीसीएस के 6 सेम के एग्जामिनेशन अभी चल रहे हैं और नॉन सीबीसीएस के अभी तक 6 सेमेस्टर जो इवन सेम के एग्जामिनेशन है ये एग्जामिनेशन के अभी तक शेड्यूल ही नहीं आए हैं। तो नॉन सीबीसीएस के जो एग्जामिनेशन से ये नवंबर में होने के ज्यादातर चांस है। सो कल के वीडियो में मैंने आप लोगों को अपडेट्स दिए थे कि आसाम यूनिवर्सिटी के जो कंट्रोलर सर है उनके तरफ से भी सेम अपडेट्स दी गई है। सो सीबीसीएस और नॉन सीबीसीएस के जब तक 6 सेम के एग्जामिनेशन कंप्लीट नहीं होते, रिजल्ट नहीं आते, तो पीजी कोर्सेस में जो एमए हो एमकॉम हो या एमएससी हो उसमें एडमिशन कैसे स्टार्ट किया जाएगा, यूनिवर्सिटी कैसे स्टार्ट करेंगे, क्योंकि उसमें जो एलिजिबिलिटी होती है उसके लिए मिनिमम आपको बीए बीएससी या फिर बीकॉम कंप्लीट करना ही पड़ता है। सो मे बी आप लोग के जो पीजी कोर्सेस के जो एडमिशन है नोटिस मे बी अक्टूबर एंड में आ सकते हैं और नवंबर में एंट्रेंस होने के चांसेस है, क्योंकि नॉन सीबीसीएस के जो एग्जामिनेशन है इवन सेम के वो भी लेट हो रहे हैं और जो सीबीसीएस के स्टूडेंट्स हैं उनके इवन सेम भी 10 अक्टूबर को खत्म हो रही है, उसके बाद उनके रिजल्ट डिक्लेरेशन होंगे। सो मुझे जितना आइडिया लग रहा है कि नवंबर महीने में या दिसंबर फर्स्ट वीक के आसपास ही जो एमए एमकॉम और एमएससी जो पीजी कोर्सेस है उसके डिटेल्स कंप्लीट आएंगे और उसी बीच में एडमिशन प्रोसीजर कंप्लीट हो सकते हैं। लेकिन उसके लिए पहले हमें CU CET एक एग्जामिनेशन जो एंट्रेंस होती है ये देना पड़ते हैं, और ये आसाम यूनिवर्सिटी के अंदर जो एंट्रेंस होते हैं उसके लिए 50 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं और 1 आवर के टाइम रहते हैं, उसी एंट्रेंस को आपको क्लियर करना पड़ेगा एडमिशन अगर आपको चाहिए तो। सो ये नॉन सीबीसीएस के स्टूडेंट्स लोगों को मे बी एक स्पेशल चांस दे सकती है यूनिवर्सिटी, क्योंकि उनके अगर एग्जामिनेशन डिले होंगे और यूनिवर्सिटी ज्यादा डिले भी नहीं कर सकती एमए एमकॉम और एमएससी के लिए। सो नॉन सीबीसीएस के लिए शायद स्पेशल चांस एक देख सकते हैं यूनिवर्सिटी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं नॉन सीबीसीएस के उनके एक ही बैक पेपर इवेंट सेम में, अगर उनके इस एग्जामिनेशन में बैक क्लियर हो जाते तो उनको भी वो भी एलिजिबल हो जाएंगे जो एमए एमकॉम या एमएससी में एडमिशन के लिए। सो स्टूडेंट जितना लग रहा है मुझे नवंबर महीने में आप लोग के उसके रिलेटेड नोटिस आ सकती है और एडमिशन प्रोसीजर या एंट्रेंस के जो प्रोसीजर है नवंबर से स्टार्टिंग हो सकती है, तो उसके लिए यूनिवर्सिटी क्या डिसीजन लेती है, क्या नॉन सीबीसीएस स्टूडेंट के लिए स्कोप देती है, तो अगर कुछ ऑफिशियल अपडेट्स आएंगे तब मैं आप लोग को क्लियर कर दूंगा। सो स्टूडेंट्स आप कंटिन्यू चैनल के साथ जुड़े रहेगा, सो जो भी अपडेट्स आएंगे मैं आप लोगों के साथ चैनल में कंटिन्यू शेयर करता रहूंगा। सो स्टूडेंट्स ऐसे अपडेट्स के लिए मेरे साथ बने रहिए, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर ज्वाइनिंग मी।